तो आज सभी देखो सीआरपीएफ एएसआई स्टैनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आप लोग स्किल टेस्ट देने जाएंगे ही, एडमिट कार्ड आ ही गए, निकाल लिए होंगे सभी ने। तो बार बार ये मैसेज कॉल आ रही थी जो ऑफिस का नंबर है कि सर उसमें जो साथ लेके जाएंगे क्या क्या लेके जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी आपने कर ली होगी और खूब तेजी से करें जब तक समय है। ठीक, टाइपिंग वाले टाइपिंग करें खूब, और जो शॉर्ट हैंड वाले हैं जिनकी स्पीड खूब अच्छी लिखी जा रही है खूब स्पीड लिखें। चैनल पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 80 के मैटर बोल रहा हूँ, और वो कोई पे वगैरह नहीं करना है उस पर। जैसे जिसको नहीं पता है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर चला जाए और वहाँ इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है अलग से, ठीक है, 10-10 मिनट की, और जो मैटर ज़्यादातर वहाँ बोले जाते हैं उन्हीं को लेकर बोल के चल रहे हैं। ठीक है, निबंध माला से, जनसत्ता से, या दैनिक जागरण समीक्षा से। ठीक है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा क्या करें कि उनसे लिखना चालू रखें, जिनकी खूब स्पीड है खूब लिखें वहाँ से। ठीक, गलतियों का कैसे कटना है क्या मैंने अगली क्लास में बता ही दिया था आप सभी को, और स्पीड ज़्यादा रखें। अच्छा, जो अनुवाद कर रहे हैं उसका समय घटाएं, जितना समय घटा लोगे उतना आपको फायदा है, क्योंकि बाद में ट्रांसलेट करने के बाद रीचेक हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जानते थे उनको भी मैंने बता दिया था कैसे करना है। अब जो आज देख रहे हैं कि कैसे करना है किस तरीके से, देखो पेपर देने सभी जाना होगा, क्या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन जानकारी नहीं है किसी को तो वो सारी क्लासें मैंने पीछे बना रखी और भी आपको मैं समझा दूँ। ठीक, लेकिन पहले वो बता देते हैं कि वहाँ लेके क्या जाएंगे और कैसे। देखो एक बात, मैंने ऑफिस का नंबर दिया है आप लोगों को 82-73-51-70-90। जो स्पीड वाले हैं वह भी स्पीड लिखें या ना मिल पा रही है तो मुझे इस नंबर पे अपना नाम पता लिख के भेज दें, उनको वो लिंक भेज दूंगा 80-90 का, जो 10-10 मिनट की डिक्टेशन है वो वहां से खूब लिखें, और ट्रांसलेट करके किसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें तो चेक करके भी भेज देंगे क्या गलतियां आपसे हो रही हैं। ठीक, जिन्होंने कोर्स कर लिया है वो क्या करें, 60, 40, 40 से 30, 40, 50, 70 ऐसे स्पीड तैयार करें जितनी जल्दी जल्दी लिख सके। ठीक, और प्रति अभ्यास प्रति स्पीड का आप अनुवाद भी करें और बढ़ते जाएं प्रतिदिन जितना हो सके करें, इनकी भी प्ले लिस्ट भेज देंगे। ठीक है, तो जो बिल्कुल जीरो है तो देखो समय तो कम है, फिर भी थोड़ी जानकारी लेके जरूर जाओ, पेपर देने तो सभी जाना। ठीक है, वहां से जानकारी मिलेगी घर पे भी क्या करो। ठीक, तो उनके लिए भी क्या करें वो व्हाट्सअप कर दें, तो कोर्स क्या है, शॉर्ट हैंड क्या है, वहाँ होगा क्या, वो सब चीज़ उसमें बता दिया जाएगा, आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, कोई इसकी फीस नहीं है, निःशुल्क है। ठीक है, तो कोर्स वीडियो रिकॉर्डेड है उससे आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे और उसी में आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। ठीक, ये तो रहा कोर्सों का जो कि काफ़ी समय से दे रहे हैं। वैसे मैंने तो मैं बताऊँ आपको, मार्च में पेपर हुआ था तो मार्च में भी खूब बताया था कि तैयारी अभी से करना, रिजल्ट का क्या है क्या नहीं उसका मत देखना। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ढील दे दी, वही कारण बनना है थोड़ा सा, ना तो जो तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, 1 स्टार जॉब मिल जाती सबने बेवकूफ़ी दिखाई है, तब से तैयारी कर रहे होते तो अब तक बहुत अच्छी खासी स्पीड होती। 1 स्टार जॉब है एएसआई स्टैंड। ठीक है, पहले भी बच्चे यहाँ से लगे हैं, पहले से समय से तैयारी करी उन्होंने, अब जिनकी तैयारी है उनके नंबर नहीं आए हैं, अब जिनकी तैयारी नहीं है उनके नंबर आ गए हैं, तो दोनों ही दुविधा है कि किसको कराया जाए किसको नहीं कराया जाए। ठीक, क्योंकि उसी समय और के भी पेपर दिए थे तो वो उसकी तैयारी नहीं कर पाए, तो ये है कि गिने चुने ही हैं, अब जिनकी पक्की स्पीड थी कि जो निकाल देते उनके नंबर नहीं आ पाए, ऐसा हुआ है। ये कि रिटर्न पहले होता है, शॉर्ट हैंड हो जाए तो ज़्यादा अच्छी रहती है। चल जो भी है, परीक्षा वालों का आप लोग क्या करेंगे, वहाँ जब आप जाएंगे तो क्या क्या लेके जाना है वह चीज़। एक तो देखो समझो, एक तो आप लोग, एक तो जो एडमिट कार्ड निकलता है एक तो आप निकाल कर अपने घर रख जाए। ठीक, और जो आपका फॉर्म भरा था वो भी निकाल कर घर रख जाए, और एक एक कॉपी आप साथ भी लेके जाए। ठीक, एक कलर निकाल के लेके जाए, एक ब्लैक एंड वाइट लेके जाए, और 10 फोटो जो उसमें लगाए थे वो लगा निकलवा लें, 10 फोटो। ठीक है, जो आपने उसमें लगाए कितने, एक तो 10 फोटो उसमें तो कम मांगे पर ले जाओगे गिरा जाते हैं। ठीक है, 10 फोटो नंबर एक पर 10 फोटो करा लें, और नंबर दो पर यह है कि आपका जो प्रवेश पत्र है
एडमिट कार्ड, वो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही निकाल लें। एक तो आप अपना जो है एडमिट कार्ड, क्योंकि नहीं मिल पाता, बहुत सौ को मिलता ही नहीं, ये है, एक तो निकलवा के आप घर रख जाएं और एक लेके जाएं, और साथ जो लेके जाएं वो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ले जाएं, ठीक है। और अपना जो फॉर्म भरा था उसकी फोटो कॉपी घर पर रख जाएं, हो तो, और ना हो तो साथ भी ले जा सकते हैं, ये भी, ठीक। कभी कभी सारी चीज मैच नहीं होती तो उसको देख के ले लेते हैं, ठीक। अब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है, फोटो तो हो गए आपके, दसवीं की ओरिजिनल मार्कशीट, बारहवीं की ओरिजिनल मार्कशीट, यहीं तक कागज मांगे हैं उन्होंने, ठीक। और पांचवा मूल निवास, ठीक। छठा, अगर जाति लगाई है आपने तो जाति प्रमाण पत्र। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप जिस भी राज्य से हैं, राज्य की नहीं हो, केंद्र की होनी चाहिए, जो ओबीसी एससी एसटी से रिलेटेड है वो केंद्र की होनी चाहिए, केंद्र सरकार की, ठीक है, केंद्र की बनवा के रखें जाति प्रमाण पत्र, ठीक। और ये होना चाहिए, और आप लोगों का जैसे कोई, अब जैसे किसी का नाम वाम गड़बड़ है तो वो परेशान ना हो, क्या करें, अगर ठीक हो जाए अभी काफी समय करा लेना, हो जाए तो, और ना हो पाए तो जो कागज हैं आपके सारे ले जाना और एक एफिडेविट बनवा लेना, जब काम हो जाता है ना वहाँ आप लोगों का, अगर आप पास भी हो रहे कुछ भी तो समय दे देते हैं, इतना घबराए नहीं, लेकिन अभी समय है तो कराए तो करा लेना, ठीक है, जो भी हो दिक्कत। अब ये इनकी ना, इनके कम से कम दो तो सेट बना लेना, फोटो कॉपियों की, ठीक है, और उनका अपने सेल अटैच कर लेना, और ना भी करना ऐसे सादा रख लेना, वहां जब बोले तो वो आप करके दे देना, ठीक है, 10 फोटो और ये। इसके साथ में सातवां, इन्हीं सब के अपने, और एक आधार कार्ड आपका, आधार हो, पैन कार्ड हो, आईडी प्रूफ में ड्राइवर लाइसेंस हो, लेके जाना। इन सब का कम से कम दो साइड बना लेना, इनका सब का दो साइड, यहां से यहां तक सभी चीज का दो साइड बना देना, जो कि वहां जब आप लोग पास हो जाओगे स्किल टेस्ट में तो वो वहां मांगेंगे, क्योंकि डीवी पीएसटी भी होनी है, और बहुत सौ का ये भी रहना है कि वहां डीवी पीएसटी में सर होगा क्या, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये हो गए आपके कागज, दो साइड बना लेना, 10 फोटो रख लेना, गिर गिरा जाते हैं तो काम आ जाए, आधार कार्ड रखना, सेफ रखना। अच्छा, ये क्या है, ओरिजिनल चाहिए और इनके साइड भी, इसी वजह से साथ में ना किसी न किसी को ले जाना, जरूरत पड़ती कागज वागज सही सलामत सही से लेके जाना, ठीक है। पहले अब होगा क्या, पहली बात मैंने आप लोगों को बता दी, ये सारी चीज लेके जाने में अपने इंतजाम से, देखो वहां बुलाया जाएगा सुबह की मीटिंग में, जैसे ना स्काइपिंग टेस्ट होगा या स्किल उसका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, 50-50 का ग्रुप बना दिया जाता है बच्चों का, ठीक, उनका टेस्ट कराया, अब उनमें कौन फेल पास है, जो फेल है उनको बता दिया आप फेल, पहले हाथों हाथों था, अब देखो क्या करें, वो उसी समय बताएंगे रिजल्ट या बाद में बताएंगे। और उसी के बाद सभी लोगों का उन्होंने जो पास होते हैं उनका पीएसटी भी कराना, ऐसे इसमें भी करेंगे, होगा क्या, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये ओरिजिनल देंगे, ठीक है, और फोटो कॉपी मांग लेंगे तो वहां जमा कर देंगे आप, और उसमें फिजिकल में क्या करेंगे वो चीज समझें, वहां आपकी लंबाई ना कहीं लंबाई वॉइस की समझें, लंबाई और गर्ल्स की भी समझें, इनकी दोनों की ही लंबाई नपेंगे। उसके बाद में वेट भी, वजन भी नपेगा, जो उसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में वही आप लोगों की हाइट होगा। अच्छा, वजन का इतना होगी, आप लोगों की हाइट ज्यादा पूरी होनी चाहिए, जो ध्यान रखना, और वजन का भी ध्यान रखना थोड़ा। और इसके बाद में वॉइस का जो है चेस्ट नपेगा, सीना, गाल का कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, ये सारी चीजें दोनों की ही नपेंगे, लेकिन सीना से कोई मतलब नहीं है, गर्ल्स होगा इतने से डिग्री होगा, ठीक, रेस रेस कुछ नहीं, दौड़ वगैरह दौड़ नहीं इसमें, ठीक, ये चीजें वहां होंगी, क्या होंगे,
वो अब ये नहीं पता है कि वहां जो है पहले स्किल टेस्ट कराएंगे, उससे पहले कराएंगे इसको या फिर बाद में कराएंगे, वो वहां की बात है, ठीक है। लेकिन ये आपको लेके जाना है, ठीक। और खाने पीने का भी जो भी कुछ आप लेके जाएंगे, दूर का सफर हो वहां देख के, और एक आपको साथ जरूर लेके जाना, ठीक है। दूर है सेंटर, संध्याओं का समय है, ये सारी चीजें देख ले। तो ध्यान से एक बार सुन ले, 10 फोटो, प्रवेश पत्र, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरीके से निकाल लेना इसको, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के लिए निकाल लेना, और 10वीं ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं ओरिजिनल मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका केंद्र का आधार हो गया, आधार के चाहे वो भी हो, आपका पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, एक तो ओरिजिनल, ये सारी और इन्हीं के सबके फोटो कॉपी करा के दो साइड बना लेना, ये चीज फिट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब वहां मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही वहां जाओगे आप, या तो ये चीज पहले करा लेंगे वो DVPST, या फिर बाद में कराएंगे, जैसे भी कराएंगे कराएंगे तीनों काम एक साथ, जो स्किल टेस्ट है वो भी, और ये भी, और ये भी, ठीक है। क्योंकि हर बार बदल रहे हैं नियम, तो क्या पता कब क्या हो जाए, तो जो बात है, लेकिन वो तीनों चीजें, ठीक है। अब आप तीनों चीजों के लिए तैयार होते जाए। शॉर्ट हैंड के बारे में मैंने अगली क्लास में बताया था, वहां क्या है, ये ASI स्टैंड वालों को जो हिंदी चुनाएंगे उनको हिंदी में डिक्टेशन बोली जाएगी, हिंदी शॉर्ट हैंड में आप लिखोगे, और उस हिंदी शॉर्ट हैंड का आप ट्रांसलेट हिंदी टाइपिंग में करके उनको दोगे, ठीक है। जो इंग्लिश चुनेगा उनको इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाएगी, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में लिखना है, इंग्लिश टाइपिंग में ही ट्रांसलेट करके उनको देना है। इनमें इस वाली पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, जी ध्यान रखें, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक। इसमें खाली शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, उसका जो ट्रांसलेट कराएंगे वो टाइपिंग द्वारा कराएंगे, ठीक। बाकी जीरो से सारी बात मैंने समझा रखी, और अगली क्लासों में ये स्पीड वाले भी, कोर्स वाले भी, जितना बड़े पढ़े खूब, और जो जीरो लेवल को जिनको पता ही नहीं, देने जरूर जाने, क्योंकि अगली बार आएगी तो तुम्हें पता होगा क्या क्या नहीं है, ठीक है। किसी की मत सुनना जो भी है, वैसे घर पे करोगे क्या, जानकारी घर बैठे मिली क्या, जाना लेके मिले कुछ ना कुछ जानकारी, हो गया सो हो गया, क्या पता अब नहीं थी जानकारी फिर छोड़ दी, मैंने गलती तो करी थी, तब से मार्च से तैयारी कर रखे ना, शॉर्ट बहुत स्पीड होती, लेकिन अब भी जाना इस बिल्कुल जीरो हो तो उसको क्या करना है क्या नहीं उसके बारे में मैंने दे दिया, निःशुल्क है, कोई मैं इसकी फीस नहीं ले रहा, इसी वजह से कि 2-4 दिन है पहले, तो तब से पढ़ रहे थे बच्चे ऑफलाइन, तो पढ़ रहे थे खूब, लेकिन था क्या, जिनकी अच्छी खासी तैयारी है उनके नंबर नहीं आ पाए, ये हुआ है। तो कुछ बच्चे जो हैं कर रहे हैं तैयारी, तो आप भी करो जितना कर सको, ठीक है, इन दे दें इन पर आप कर दें, और लेकिन कोई बात आ जाए ना तो आप लोग बात करना भी चाहें ऑफिस नंबर पे, तो रात में 8 बजे के बाद, क्योंकि पूरे दिन जो रहते हैं वो ऑफलाइन के बैच रहते हैं उनमें बिजी रहते हैं, SSC का है, स्किल टेस्ट का, इधर UP SSSC का है, और APS का है, इनके बैच चल रहे हैं, फिर ये CRPF हो गया, CRPF, फिर CISF का चल रहा है, CISF, फिर वो SSV का चल रहा है, ठीक है। स्किल टेस्ट आ गया 2024 के, स्किल टेस्ट SSC का चल रहा है, मतलब सबकी इनकी हाई कोर्ट का चल रहा है, उनमें बिजी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का टाइम नहीं मिलता, फिर भी क्या है, ये फ्री का लगता है, आप देख सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक। ये पहले से ही बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन ज्यादा चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज, और किसी को कोई दिक्कत हो तो ऑफिस नंबर पर मैसेज छोड़ देना, बता दे जाएगा उसके बाद, ठीक। वैसे मैंने कोई बात छोड़ी नहीं है, हाँ ये जरूरी है कि ये चीज पहले कराएंगे, ये चीज पहले कराएंगे, वो वहां जाके आपको पता लगेगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट पहले कराएंगे, ये चीज पहले कराएंगे, वो आपको वहीं पता लग जाएगी। ये पहले दिन जो किसी का होगा वहां से उनसे जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पहले दिन वाले क्या करेंगे, उसे सारी चीजें लेके जाएं, ठीक। चलो, और हाँ जो स्पीड वाले हैं, बर्ड बना रहे हैं, वो बढ़िया, एक बार फिर सुन लें ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ मैटर वो तो बोल ही रहा हूँ, उन्हीं को लेके, जैसे ज्यादातर निबंध माला या दैनिक जागरण या जनसत्ता की समीक्षाओं को लेके, ठीक है, और उनको लेके ज्यादातर जो फोर्स के शब्द होते हैं वो लिख के चले, ठीक, और जो योजनाएं बनी है फोर्सों को लेके वो ज्यादा लिखें, इस तरीके से लिखना स्पीड में, गूगल से मैटर सर्च कर लेना जितना चाहो, वहां चाहे अखबार में मिले, निबंध में मिले, जहां से मिले, फोर्स से रिलेटेड जितने मैटर हो वो लिखना, ठीक है, ये काम कर दे। और आयोग वाला मैटर की सबकी तैयारी, पता नहीं क्या कुछ भूल जाए, लेकिन ज्यादातर पहले से बोले मैटर उनको ही लेके चले, तो वो वाली तैयारी करके चलना, सेनाओं से रिलेटेड मैटर, ठीक है। चलो,
और यहाँ तो ज्यादातर सारे मिक्स बोले जा रहे थे, इसकी प्लेलिस्ट अलग ही बना दी। ठीक है, चलो।